दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। ईडी ने शराब नीति घोटाले में बुधवार को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी की थी। इस गिरफ्तारी पर संजय सिंह के पिता बोले कि सत्ता परिवर्तन होगा, हम अब हर कदम पर आपको कोऑपरेट करेंगे, मेरे घर का एक भी मेंबर कोऑपरेट नहीं करेगा। संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ घबराना नहीं, ए भाई नो ब्लेड, नो नो ब्लेड, नो, डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज। यू आर वर्कर, आपको मेरे ख्याल से कोई आधार नहीं मिला था। सिंस दे वर टोल्ड यू हैव टू अरेस्ट, दे डन द जॉब। हाँ, मैंने कहा तुम जाओ जाओ, तुम्हारे साथ पालोवर से, घबराना नहीं। और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, या मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। और अगर नहीं आया तो हमसे मिल लीजिएगा, आ जाएगा तो मैं आपसे मिलूंगा। किस तरह की पॉजिटिव रिजल्ट की आपको? सत्ता परिवर्तन होगा और कौन सा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। देवरिया में 6 लोगों की हत्या के बाद जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। पूरे गांव की ग्राम सभा की जमीन की पैमाइश कर सरकारी जमीनों का ब्यौरा जुटाया गया है। इसे लेकर पूरे गांव में हड़कंप है। सत्य प्रकाश और उसके परिवार की हत्या के आरोपियों में से अधिकांश ऐसे हैं जिनका मकान सरकारी जमीन पर बना है। ऐसे भवनों को चिन्हित किया गया है। इन सभी पर बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने की उम्मीद है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के नेपालगंज में मंगलवार को हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। सड़कों पर नेपाल आर्मी व पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। हिंसा में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये सड़क नेपाल राष्ट्र के बाके जाती है और बाके में इस वक्त दो संप्रदायों के बीच में झड़प हो गई है। इस झड़प के दौरान 13 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी हैं। लेकिन वहां की जो पुलिस विभाग है वो ये कह रहा है कि ये दो संप्रदायों के बीच में झड़प नहीं है, बल्कि कुछ शरारती तत्व और पुलिस के बीच ये झड़प मानी जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर से अजीम मिर्जा। प्रयागराज में आगामी वायुसेना दिवस के मौके पर यानी कि 8 अक्टूबर को संगम क्षेत्र में बड़ा एयर शो आयोजित किया जाएगा। ये एशिया का बड़ा एयर शो होगा। इस समारोह में राष्ट्रपति से लेकर रक्षा मंत्री तक के आने की उम्मीद है। साथ ही राफेल, सुखोई, तेजस और MiG-29 जैसे बड़े लड़ाकू विमान करतब भी दिखाएंगे। कानपुर के घाटमपुर में तैनात महिला लेखपाल और उसके सहयोगी फोटोशॉप संचालक को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है। 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। हनुमंत विहार थाने में महिला लेखपाल और उसके साथी से पूछताछ हुई। पूछताछ में दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है।